Students, our next topic is law of conservation of linear momentum. Law of conservation of linear momentum. That the most important topic of this chapter. After Newton's second law of motion, that is the most important topic. So, law of conservation of linear momentum kya hota hai? Law of conservation of linear momentum kya hota hai? It says that the linear momentum of a system will remain conserved until and unless an external force applied on it. एक किसी भी सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है, वो कब तक, जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो. ओके, डेफिनेशन ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिमेन कंजर्व बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन. अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा तो कोई भी दो चीज अगर टकरा रही है, कोई भी दो चीज कोलाइड कर रही है, तो उनका जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या होगा, कंजर्व रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. क्लियर? अब इसको हम प्रूफ करके बताएंगे मैथमेटिकली. जो मैथमेटिकल प्रूफ है, मैथमेटिकल प्रूफ, अब उसका ही मैथमेटिकल प्रूफ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है किसी भी सिस्टम का. अगर वो आपस में, अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड करते हैं और कोई एक्सटर्नल फोर्स पर एक्ट नहीं होगा, उस केस में क्या होगा, उनका मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा. कैसे रहेगा देखते हैं. समझते हैं हमने क्या देखा. देखो हमने यहाँ कंसीडर कर लिया दो ऑब्जेक्ट है एम ए, एक इसका मास एम ए है, इसका मास एम बी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू ए थी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी. ये क्या थी, यहाँ पर क्या था, यू ए ग्रेटर देन यू बी, इसकी वेलोसिटी से ज्यादा थी. अगर इसकी वेलोसिटी से ज्यादा होगी तभी तो आपस में हिट कर पाएंगे, तो ये से टकराएगी. जब टकराएगी तो ये इस पे फोर्स इंपार्ट करेगी, ये इस पे फोर्स इंपार्ट है, उसके बाद दोनों अलग अलग होगी, तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, वी ए बी, ये फाइनल वेलोसिटी है इनकी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी आफ्टर कोलिजन का ये केस है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों ये प्रूफ करना है कि जो टोटल इनिशियल मोमेंटम था बॉडीज का टोटल फाइनल मोमेंटम के इक्वल है. ठीक है, कैसे करें, समझते. देखो हमने क्या कंसिडर किया, टू ऑब्जेक्ट्स हैं ऑफ मास एम ए एम बी, हमने ये कंसिडर किया था, देयर वेलोसिटी बिफोर कोलिजन क्या थी, यू ए यू बी, यू ए वाज ग्रेटर देन यू बी, इसकी वेलोसिटी से क्या थी, ज्यादा थी. देयर वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या होगी, वी ए, इसकी आफ्टर कोलिजन क्या है, वी ए और वी बी है ना, कोलिजन टाइम क्या है, टी, टी टाइम लगा उन्हें कोलाइड करने में. अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमें पता है अगर ये ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स इंपार्ट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स इंपार्ट कर रहा है, तो दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे. तो फोर्स एक्सर्ट ड्यू टू ए ऑन बी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू बी ऑन ए. क्लियर ऑन इक्वल एंड अपोजिट है, इसने माइनस का साइन आया. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटर एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, तो मास इंटर एक्सेलरेशन, अब फोर्स किस पे लग रहा है, बी पर लग रहा है, तो एम बी इंटू ए बी मास इंटर एक्सेलरेशन, और यहां पर फोर्स किस पे लग रहा है, ए पे लग रहा है, तो एम ए इंटू ए ए एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए. मास एज इट इज द एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है का फॉर्मूला कहता है वी माइनस यू बाई टी, तो वी माइनस यू बाई टी velocity of object B minus final velocity of object B minus initial velocity of object B divided by time. इस तरह से यहाँ पे लिया. ठीक है, तो फिर m b को मैंने multiply कर दिया दोनों terms से, इधर m a को multiply कर दिया, t से t cancel हो गया, क्या गया, तो m b v b minus m b u b is equal to minus of m a v a plus m a u b. अब इस वाली term को मैं इधर दे minus की थी इधर के plus को, v a minus की थी इधर के plus को, तो क्या गया, अब इसको ध्यान से देखो, एम बी वी बी प्लस एम ए वी ए फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी, फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए, इट मींस ए टोटल मोमेंटम है किसका, हमारे सिस्टम का टोटल, कौन सा, फाइनल मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम, और ये टोटल क्या है, इनिशियल मोमेंटम है, ये फर्स्ट ए बॉडी का इनिशियल मोमेंटम, ये बी बॉडी का इनिशियल मोमेंटम, तो ये क्या है, टोटल इनिशियल मोमेंटम है, क्या है, टोटल इनिशियल मोमेंटम. तो टोटल फाइनल मोमेंटम टोटल इनिशियल मोमेंटम के इक्वल है, टोटल फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल आ गया, टोटल इनिशियल मोमेंटम के. तो हमें यही तो प्रूफ करना था कि हमारा जो टोटल फाइनल मोमेंटम होगा सिस्टम का वो किसके इक्वल होगा, टोटल इनिशियल मोमेंटम, यानी मोमेंटम क्या है, कंजर्व रह रहा है, मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा. ठीक है, तो दैट इज द मैथमेटिकल प्रूफ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम.
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। इस फॉर्मूले का न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा, इस वाले फॉर्मूले का न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा, तो बहुत अच्छे से कर लेना। इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं दैट इज वेरी सिमिलर टू न्यूटन थर्ड लॉ, सो यू कैन डू योर सेल्फ दैट इजिली, बहुत ईजी सी एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद हमारा मेन टॉपिक, मेन टॉपिक्स इस चैप्टर के सारे कवर हो गए, ये चैप्टर थ्योरी पार्ट से कवर हो गए। एडवर्ड बुक में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स गिवन है, वो हमें करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स अब की बार नहीं आने वाले। तो जितने टॉपिक बुक में है और रेफरेंस बुक्स में होते हैं वो सारे कवर हो चुके हैं। दिस वॉज आर लास्ट टॉपिक।